नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ हिंदुस्तान की बेटी माधुरी कलाल। आज मैं हिंदुस्तान की बेटी बात राष्ट्रवाद की करूंगी, फर्जी किसान नेताओं की महापंचायत की करूंगी, जो कृषि कानून के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाकर पंजाब, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के बिचौलियों के गिरोह यहां वहां बैठाकर देश के किसानों के मसीहा बनने का ढोंग रचते रहे। आज मैं हिंदुस्तान की बेटी शिक्षक दिवस के दिन आपको बताऊंगी कि कैसे संविधान की बात करने वाला राकेश टिकैत गैंग अपनी तालिबानी सोच से देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहता है। सच यह है कि देश के दुश्मनों के दम और पैसे पर खड़ा अराजक जीवियों का यह पूरा आंदोलन सिर्फ पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा की हदों तक है। इसीलिए है क्योंकि टिकैत के जैसे नेता खाप के जरिए किसानों को धमका रहे हैं, उनका हुक्का पानी बंद करने की धमकी देते रहते हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको दिखा चुकी हूं कि कैसे टिकैत एंड कंपनी के गुंडों ने महिला पत्रकारों तक से तालिबानी बदसलूकी की। अब भी इस सनकी गिरोह की नियत वैसी ही है और मैं हिंदुस्तान की बेटी राष्ट्रवाद के मन से आज फिर कह रही हूं, टिकैत एंड गैंग दरअसल हिंदुस्तान के तालिबान है। गुंडों की ये फौज अपने माओ और आकाओं से पैसा लेकर देश का माहौल खराब करने में लगे हैं। जुबां पर भले किसान हो लेकिन इरादा संविधान का अपमान करने का, और इनकी नियत में सिर्फ और सिर्फ तालिबान है। मुजफ्फरपुर में टिकैती नौटंकी का ब्रांड न्यू अध्याय। टिकैत के सामने ही टिकैत की हाय हाय। जुबा पर संविधान, दिल में तालिबान। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, तीन कानून यूपी का ये एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी, किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर एक, टिकैत का झूठ नंबर एक। बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को, ये धोखा नंबर दो। वही धोखा पत्र नहीं लिखा, जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। टिकैत का झूठ नंबर दो। ये सड़क बेचेंगे, सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और घूमती भी नहीं लगा सकता। और टिकैत का झूठ नंबर तीन। मुजफ्फरपुर में फर्जी किसान नेताओं के संयुक्त मोर्चा ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ किसानों की जो भीड़ जुटाई, उससे अच्छा खासा आदमी गच्चा खा सकता है, लेकिन गच्चा एक हिंदुस्तानी नहीं खा सकता। टिकैती गैंग और चीन परस्त वामपंथी नेताओं का गठजोड़ दरअसल हिंदुस्तानी तालिबान का ही एक चेहरा है, जिसकी जुबान पर देश और संविधान की रक्षा की मीठी बातें हैं और जहन में चीनी और तालिबानी जहर। वक्त के साथ संयुक्त मोर्चा का ये मिशन और साफ हो रहा है। ये मिशन गांधी मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा, संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। तो टिकैत गैंग देश बचाने निकली है, कैसे इस तस्वीर को देखिए जरा। टिकैत गैंग और उनके गुर्गे इन तस्वीरों में एक महिला पत्रकार को घेरे हुए खड़े हैं। बड़ी मुश्किल से वो इस भीड़ से निकलती है, लेकिन किसान के नाम पर इकट्ठा हुए टिकैत के ये गुर्गे
महिला पत्रकार से लगातार अभद्रता करते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, फर्जी किसानों का चोला ओढ़कर घूमते ऐसे टिकैती गुंडों की पूरी नस्ल की तालिबानी अराजकता दिल्ली और आसपास के गांवों के लोग पिछले करीब 10 महीने से देख और भुगत रहे हैं। यकीनन मुजफ्फरपुर में उमड़ी इस भीड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वो भीड़ है जो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी के बड़े काश्तकारों की है, किसानों की नहीं, जिनकी लुटिया नए कृषि कानूनों में डूब रही है। संयुक्त मोर्चा ने करीब 10 लाख किसानों के यहां पहुंचने का दावा किया था, लेकिन जीआईसी ग्राउंड में जहां महापंचायत हुई उसकी क्षमता महज 60,000 है। दावा था कि करीब 300 किसान संगठन महापंचायत में पहुंचेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ किसान ही दिखे। 15 राज्यों के किसानों के पहुंचने का दावा था, लेकिन दूसरे राज्यों की तो छोड़िए, पूर्वांचल तक का किसान भी यहां नहीं पहुंचा। किसान महापंचायत के नाम पर जुटी भीड़ में राकेश टिकैत का विपक्षी एजेंडा भी साफ हो गया, जिसमें कृषि कानून पर पॉइंट वाइज बात करने के बजाय नफरती और शातिरपने से भरे विपक्षी मुद्दे थे। उत्तर प्रदेश की जनता जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है, और हम 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी, 28 तारीख की याद भी याद कर लेना। वहाँ पर ना मुसलमान बचना था और ना सरदार भाई बचना था और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। वे 48 लोग वहाँ पर थे और 8,000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहाँ पे कब्जा करने की नीयत थी। तीन कृषि कानूनों के बारे में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ परसेप्शन बनाया जाता है, किसान की जमीन छीने की, फसल की लड़ाई, नस्ल की लड़ाई, मुद्दे भटका दिए गए। यहाँ पे कह सकते हैं सरकार पहले भी तैयार थी, तीन बिलों में जो संशोधन है उन्हें करने के लिए निश्चित रूप से आज भी तैयार है। तो क्या अब भी ये समझना मुश्किल है कि राकेश टिकैत सुपारी लेकर आखिर किसके लिए फील्डिंग सजा रहे हैं? पश्चिमी यूपी में खासकर जुटी इस भीड़ का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं का भी था, जिनको टिकैती ड्रामे में यूपी की सत्ता का छीका उनके हक में टूटने की उम्मीद जग रही है। हालांकि इसी साल यूपी में जुलाई महीने में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में फर्जी किसान आंदोलन की हवा निकल चुकी है। यूपी जिला पंचायत चुनाव में 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए। 22 जिलों में तो बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीती। पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक बीजेपी ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया। दरअसल मुजफ्फरनगर के जिन दंगों की बात राकेश टिकैत किसान महापंचायत के मंच से कर रहे थे, वो दंगे टिकैत गैंग और वामपंथियों के संयुक्त मोर्चा के आंदोलन को समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए थे। और इन्हीं दंगों को लेकर अबू आजमी के एक बयान को लेकर जाट लैंड खासा नाराज भी हुआ था। वेस्टर्न यूपी में पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उस दंगे में हमारे जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ गए, लेकिन आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी, सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। लेकिन चीन के सजदे में खड़े वामपंथी नेताओं और सुपारी पॉलिटिकल सेटर बन रहे टिकैत एंड कंपनी को विपक्षियों की ऐसी सियासत से कोई परहेज नहीं, लेकिन देश के किसान एजेंडाबाज अराजकतावादियों को बखूबी देख और समझ रहे हैं। हिंदुस्तान में संविधान सबसे ऊपर है, हिंदुस्तानी तालिबान नहीं। जहरीले नागों का फन लोकतांत्रिक तरीके से कुचला जाएगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्जी गैंग की महापंचायत में मोदी योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, तालियां बजाई गई, उन्हें चुनाव में उखाड़ फेंकने की कस्में खाई गई और उकसावे के इस खेला करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी मंच से उछाल दिया गया। यह दुहाई दी गई कि यह सरकार संविधान के खत्म करने पर आमदा है, लेकिन इसी महापंचायत में फर्जी गैंग की नीयत पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी हुई तो उन्हें चुप कराने के लिए मंच से दबंगई दिखाई गई, उनके बक्कल उतारने की चेतावनी दी गई।
ये है फर्जी गैंग का वो अराजक चेहरा जो अपने हक के नाम पर हंगामा करने की छूट चाहता है, लेकिन अपने शातिर एजेंडे के खिलाफ एक शब्द तक सुनना उसे गवारा नहीं है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपसे पूछती हूं, महापंचायत के नाम पर फर्जी गैंग के सियासी खेल को हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त भी क्यों करे? कृषि कानूनों की वापसी के नाम पर नफरत जीवियों का ये शातिर गैंग जिस तरीके की चुनावी सियासत चमकाने में जुटा है, उसे जड़ों पर चोट क्यों नहीं होनी चाहिए? अन्नदाता की आड़ लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हंगामे और बवाल की साजिश को क्यों आंख बंद कर हम सब बर्दाश्त करते रहे? क्यों? फर्जी गैंग की साजिश की महापंचायत, ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे? इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। अराजकता का धंधा संविधान का हवाला, ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। मुझको लगता है राकेश टिकैत की बात किसान सुनना बंद कर दिए हैं, किसान उनको समर्थन करना बंद कर दिए हैं। कानून नहीं सरकार गिराने का शातिर एजेंडा, हमारे कड़े कानून ने वापिस कराया वहाँ और MSP पे गारंटी लिया, क्योंकि इन्होंने तो गदर मचा दिया। उस चाय वाले की कौन चाय पिएगा जो बिना दूध की पिलाएगा? मोदी का भी खोट नहीं है, उनका खोट है जो बना रखे है, हमने वोट दे के ना, वो वोट दे हमने बना दिए, पैर पकड़ पकड़ के मार पर वोट ले गए, अरे मर गए धोखा करके। यह किसानों की पंचायत नहीं है, ये किसान यूनियन की पंचायत है, किसान यूनियन का कार्यक्रम है। हमारे कृषि मंत्री जी दर्जनों बार जो संयुक्त किसान मोर्चा उनके नेताओं से बात कर चुके हैं, वो अड़े हुए हैं कि पहले तीन कानून समाप्त किया जाए तब हम बात करेंगे। ट्रैक्टर वाली खूनी साजिश की नई तैयारी, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवा के हिंदू मुसलमान में खून की आंधी करके खून की नदी बहा के इन लोगों ने राजनीति की थी। देश बिखरा है, इसको कैसे हम बचाएंगे, ये रणनीति रहेगी। पूरे देश में आंदोलन चलेगा, ये रणनीति रहेगी। अन्नदाता की आड़ लेकर फर्जी गैंग का राजकता वाला शातिर खेला जारी है। इसकी नई बुनियाद जैटलैंड मुजफ्फरनगर को बनाया गया और किसान के नाम पर जुटाई गई जनता को सरकार के खिलाफ उकसाया गया। अपनी बात कहना राजनीति है क्या? प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं 80-20, 80% किसान खुश हैं, 20% ही नाराज। देश की प्रॉपर्टी बेचोगे और एलिगेशन किसान पर लगाओगे, किसने इजाजत दी देश के प्रधानमंत्री को जमीनें बेचने की? फर्जी गैंग की इस महापंचायत में योगी मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगवाए गए। महापंचायत को कवर करने गई मीडिया को मौके से भगाया गया ताकि उकसावे वाली साजिश पर पर्दा पड़ा रहे। फर्जी गैंग की शुरुआत से यह रणनीति रही है कि उनके एजेंडे को लेकर मीडिया सवाल पूछे, उनके हिंसक हंगामे पर सवाल उठाए तो मीडिया कर्मियों के पीछे अपने गुर्गे छोड़ दो, उनसे बदसलूकी करो ताकि वो साजिश के जमावड़े की पोल खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद फर्जी गैंग का शातिर खेल छिप नहीं पा रहा। योगी मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए फर्जी गैंग ने जिस महापंचायत का आयोजन किया, उसी महापंचायत में उनकी नियत पर सवाल उठाए गए, टिकैत गैंग के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इसी के बाद नफरती गैंग का खेला खुलकर सामने आ गया। मंच से सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान करने वाले चेहरे दबंगई दिखाने पर उतर आए, उनकी जुबान से संविधान की दुहाई अचानक गायब हो गई और दबंगई जोर मारने लगी। फर्जी गैंग के मुखिया राकेश टिकैत ने मंच से ऐलान किया कि ऐसे लोगों की यही घेराबंदी करवाकर मैं तलाशी ले लूंगा तो इनकी असली विचारधारा सामने आ जाएगी। मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में 2013 के दंगाकांड की चर्चा भी छिड़ी गई और उसके लिए सीएम योगी और पीएम मोदी पर उंगली उठाई गई। कहा गया कि जब तक इस तरह की सरकारें देश में रहेंगी वो दंगा करवाने का काम करती रहेंगी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाह हू अकबर,
अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे की धरती से लगते थे। 26 जनवरी को लाल किला कांड का जिम्मा यह नहीं लेंगे जब देश की राजधानी की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच फर्जी गैंग ने किया था। दिल्ली पुलिस को निशाना बनाया गया, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को निशाना बनाया गया और सरकार ने जब नकेल कसी तो अपना अंजाम सोचकर हिचकियां बनने लगी। महापंचायत का असल खेला तो ये है कि यूपी में चुनाव है इसलिए नफरत जीवी गैंग काम पर है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में एक बार फिर टिकैत की अगुवाई में भड़काऊ गैंग एकजुट है। विरोधियों का एजेंडा किसान और कृषि कानून नहीं बल्कि यूपी चुनाव है। सरकार विरोधियों को साथ लेकर टिकैत गैंग यूपी में सरकार बदलने का सपना देख रहा है। की ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर एक, धोखा नंबर दो, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को, ये सड़क बेचेंगे, ये है LIC जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक ये सब बिखरे हैं, FCI की जमीन जहाँ पे हमारा भंडारण होता था वे पूरी जमीन पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने महापंचायत में उन सभी सियासी मुद्दों को उठाया जिन्हें विपक्षी पार्टियां उठाती रही हैं। इंडिया ऑन सेल का बयान देकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि कानून नहीं सरकार वापसी आंदोलन का नया एजेंडा है। टिकैत के सामने भीड़ में मोदी भगाओ योगी भगाओ के नारे लग रहे थे। काम अगर वे कर रहे हैं, ये राजनीति है तो इसको राजनीति मान भाई, इसको राजनीति मान रहे क्या? अगर हमने कहा कि रेल और ये बेच दिया, ये कहना राजनीति है क्या? अगर इसको कहना राजनीति है भाई, राजनीति मान लो। किसान महापंचायत के समर्थन में विपक्षी पार्टियां लामबंद हैं क्योंकि विरोधियों को लगता है कि नफरत जीवियों के सहारे उनकी चुनावी नैया पार लग जाएगी। महापंचायत में जुटी भीड़ पर केंद्र सरकार में मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि किसान BJP को ही वोट देगा। राकेश टिकैत जी ने बोला था कि हम BJP के खिलाफ नहीं हैं, आपने ये सुना होगा, और इसका मतलब है कि जब राकेश टिकैत जी खुद BJP का विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम BJP के विरोध में नहीं है, इसका मतलब है उनकी भी आने वाले समय में जो बटन है वो कमल के निशान पे ही दबेगी। लेकिन इस तरीके का हुजूम कहीं सीधे तौर पे आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है उस समय? कोई चिंता का विषय नहीं है, किसान जो है BJP के साथ खड़ा। हरियाणा के सोनीपत में किसान आंदोलन के खिलाफ पंचायत की गई। शामली की गढ़वाला खाप चौधरी ने भी महापंचायत का विरोध किया क्योंकि आंदोलन नहीं सरकार विरोधी एजेंडा। महापंचायत में टिकैत ने एक बार फिर किसानों से ट्रैक्टर तैयार रखने को कहा है, यानी चुनाव से पहले फिर से ट्रैक्टर टेरर होगा। केंद्र सरकार को तालिबानी और चुनाव से पहले हिंदू नेता की हत्या की साजिश जैसे भड़काऊ बयान देने वाले टिकैत विपक्षी दलों के इशारे पर काम पर लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हिंदुस्तान की बेटी, फर्जी किसान नेताओं के एजेंडाबाज आंदोलन को देखकर ये सोच रही हूं कि आखिर इन नेताओं में गैरत बची भी है या नहीं। करीब 10 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बसे गांवों के लोगों की जिंदगी दुश्वार कर रखी है इन अय्याशजीवियों ने। आंदोलन एक पवित्र जरिया होता है अपनी असहमति जाहिर करने का, और जब किसान का नाम किसी आंदोलन से जुड़ा जाए तो देश ही नहीं दुनिया उसे लेकर बेहद संवेदनशील हो जाती है। लेकिन यहां तो हालात कुछ और हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी राष्ट्रवाद के इस मंच से फरेबी किसान नेताओं से ये कहना चाह रही हूं कि आज आप कृषि कानूनों पर बिंदुवार बात करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? आप अपनी सभाओं में काले कानून का रट्टा तो लगाते हो लेकिन कानून में क्या काला है ये नहीं बता पाते। सच तो ये है कि जब मोटी रकम मिल रही हो, देश को कमजोर करने की सुपारी ली गई हो, गद्दारी का गुरु मंत्र अरबन नक्सलियों ने कान में फूंक ही दिया हो, तो आखिर फर्जी किसान नेता करेंगे क्या? मैं हिंदुस्तान की बेटी आज फिर कह रही हूं कि ये सारा एजेंडा किसी भी सूरत में देश की चुनी हुई सरकार को तालिबानी तिकड़म से गिराने की एक साजिश भर का है। कोर्ट में आतंकियों को छोड़ने की अर्जी देने वाली पार्टियां सत्ता चाहती है ताकि देश कमजोर हो और वामपंथी तालिबान समर्थक अपना एजेंडा चला सके।
यूपी चुनावों से पहले हिंसा जीवियों की महापंचायत। 3 महीने की बात रहेगी है, पहली जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पर बेचेंगे, ये प्रचार हम करेंगे। टिकैत का ट्रैक्टर टेरर वाला तालिबानी फतवा। ये वहाँ पे अगर हमारी कब्र कहा वहाँ पे बनेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। आतंकियों के फिक्रमंदों के लिए सियासी फील्डिंग। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहाँ पे कानून बने हैं। किसान महापंचायत के नाम पर एंटी बीजेपी लामबंदी। टिकैत एंड कंपनी की विपक्षी सुपारी खुलकर सामने आई। जाति और धर्म के नाम पर गोलबंदी करके सत्ता पलट के ब्लूप्रिंट पर संयुक्त मोर्चा का काम शुरू हो चुका है। अल्लाह हू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाह हू अकबर के नारे थी धरती से लगते थे। शातिर फर्जी किसान नेताओं ने देश की आंखों में धूल झोंक कर अपने देश को कमजोर करने का पूरा प्लान ऐसे ही तैयार किया है। देश को जोड़ने का दावा करने वाले फर्जी किसान नेताओं ने विदेशों से आई मोटी रकम को जैसे डकारा है, उसमें कुछ तो काम करके दिखाना भी पड़ेगा। महापंचायत में उमड़ी भीड़ से फर्जी किसान नेताओं की बाछें इसलिए खिल गयी। ये अलग बात है कि इस भीड़ में बड़ी हिस्सेदारी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की थी, और ये अनायास नहीं है कि यूपी चुनाव में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा लगाने वाले टिकैत और वामपंथियों के संयुक्त मोर्चा को राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। जाहिर है जो काम विपक्षी नहीं कर सके, अगर वो काम सुपारी लेकर कोई गैंग कर रहा है तो समर्थन तो बनता है। दरअसल फर्जी किसान नेताओं की नौटंकी से जाटलैंड में विपक्षी पार्टियों को बड़ी उम्मीद है। खासकर यूपी की सत्ता से पिछली बार बेआबरू होकर बाहर निकली समाजवादी पार्टी और अपना सियासी वजूद तलाश रही दम तोड़ती आरएलडी को। आपका एजेंडा किसान नहीं राजनीति है, और कई बार तो यहाँ भी मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दलों को लीड कहीं ना कहीं किसान नेता ही कर रहे हैं। कई बार लगता है किसान नेता सारे विपक्षी दलों के अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे यहाँ पे, तो एक किसान का एजेंडा नहीं है कहीं भी, और जनता भी धीरे धीरे समझ रही है, बहुत बड़ा तबका समझ चुका है। राकेश टिकैत और वामपंथी फर्जी किसान नेता बड़े शातिर तरीके से विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कहने को बात किसान की है, लेकिन पश्चिमी यूपी में खासतौर से जातिवादी समीकरणों के जरिए टिकैत एंड कंपनी की कोशिश बीजेपी को कमजोर करने की, ताकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पक्ष में जातिगत समीकरण खड़ा किया जा सके। यूपी में जाटों की आबादी करीब 6-8% है। पश्चिमी यूपी में जाट 17% से ज्यादा है। करीब 17 लोकसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है, और 17% जाट 120 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। जरा समझिए कि किसान महापंचायत में राकेश टिकैत आखिर बीजेपी को दंगा करवाने वाली पार्टी क्यों कहते हैं। यही टिकैत आंदोलन के शुरुआती दिनों में ये कहते फिरते थे कि हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। मुद्दा दरअसल विपक्ष के लिए की जा रही बैटिंग का है। इतनी इजाजत दी देश के प्रधानमंत्री को जमीनें बेचने की, उसकी क्या हिम्मत है कि देश की प्रॉपर्टियां बेचेगा? वो नहीं बिकने देंगे। महापंचायत या किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश में चल रही भगवा लहर को तोड़ने का एक हथकंडा है। तभी तो अब तक कृषि कानूनों पर बात करने वाले टिकैत विपक्ष के प्रोपेगेंडा को भी मन से उठाने से नहीं कतरा रहे। जाहिर है यूपी चुनावों से पहले टिकैत की कोशिश जाटलैंड के करीब 120 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को सबक सिखाने की है। वो मुजफ्फरनगर दंगों के लिए तत्कालीन अखिलेश सरकार को तो बख्श देते हैं, लेकिन बीजेपी पर हमलावर होते हैं। अब जरा टिकैत के इस तिकड़म को भी समझिए। पश्चिमी यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है। पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 35-50% तक है। 17% जाट और 20% मुस्लिम मिलकर बड़ा खेल कर सकते हैं। इसका सीधा फायदा विपक्षी दलों को हो सकता है। बिल अच्छे नहीं थे तो 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, किसान खुशहाल क्यों नहीं हुआ? बहुत सी सरकारें आई गई, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी रह गई। हरियाणा और पंजाब में चलो मंडी है, पूरे देश में जहाँ मंडियाँ नहीं है, अगर वहाँ प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा
तो पूरे देश में मंडियां कैसे दे पाएंगे, सरकार के लिए काम नहीं कर सकते। 2022 के समर से पहले किसानों के नाम पर जाटलैंड में टिकैत एंड कंपनी ने पहली फील्डिंग सजाई है। महापंचायत के मंच से हर उस मुद्दे को छुआ गया है जो कभी कांग्रेस और कभी समाजवादी पार्टी के झोले से निकलता रहता है लेकिन बेआवाज रह जाता है। सच यह है कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत का मंच किसान महापंचायत से ज्यादा चुनावी रैली की सभा का फील देता नजर आया, जिसमें सारे मुद्दे हवा हवाई थे। ब्यूरो रिपोर्ट जी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने फर्जी गैंग के सियासी साजिश की हकीकत को देश के सामने खुलकर बयां किया। वहां जमावड़ा तो खेती कानून के विरोध की आड़ में जुटाया गया लेकिन भोले भाले लोगों को असल में चुनावी गुट्टी पिलाई गई। मैं हिंदुस्तान की बेटी बिना किसी हिचक के ये कह रही हूं कि मुजफ्फरनगर के मंच पर चेहरा अगर टिकैत गैंग का दिख रहा था तो इस गैंग की पीठ पर विपक्ष का हाथ भी हिंदुस्तान साफ दिख रहा था, क्योंकि टिकैत गैंग की जुबान से जैसे विवादित बयानों की झड़ियां लग रही थी, दरअसल उन्हें पस्त पड़ा विपक्ष सियासी बौखलाहट में सुनाता रहता है और जनता उन्हें बेसिर पैर का मानकर खारिज भी करती है। मैं हिंदुस्तान की बेटी सियासत के उन चेहरों को आगाह कर रही हूं जो फर्जी गैंग को सियासी प्यादा बनाकर अपनी चुनावी बिसात को बिछाने की और उसे खेलने की कोशिश में जुटे हैं। वो हिंदुस्तान की जनता को झांसा देने की खुशफहमी पाले बैठे हैं। इसीलिए उन्हें ये सलाह देती हूं कि आप ऐसी खुशफहमी ना पालें, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता सब समझती है, सब जानती है। जनता अपना भला बुरा भी जानती है और सियासत के चुनावी दंगल का दूध का दूध और पानी का पानी करना भी बखूबी जानती है। लेकिन आज जो कुछ भी मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जनता ने देखा उससे इनका मंसूबा साफ हो गया। वो मंसूबा जो चेहरा किसी और का रखकर मंसूबे किसी और के पालने की बातें सामने आ रही थी आज साबित हो गई। मैं बिना हिचक कह सकती हूं कि जो जो बयान आज राकेश टिकैत की गैंग दे रही थी, जिस तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे थे, क्या आप मान सकते हैं कि उसमें किसी भी तरह के कृषि कानून के काला होने की कोई बात रखी गई हो? नहीं। लेकिन हां, बाकी सारी बातों को जिनको विपक्ष उठाना चाहता था आज मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के मंच से उठाया गया। देखिए, फर्जी गैंग की साजिश को सियासी शह, सत्ता के संग्राम में किसान बना चारा। ये मिशन गांधी मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का, देश बचाने का। जाटलैंड में विपक्ष का बड़ा दांव। आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा देश की जनता को धोखा दिया, धोखा न पड़े। ये धोखा नंबर दो रुपये सड़क बेचते हैं। FCI की जमीन जहाँ पे हमारा भंडारण होता था, पूरी जमीन पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। यूपी चुनाव की सरगर्मियां क्या तेज हुई, फर्जी गैंग फिर हरकत में आ गया है। किसान के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक चलाने की मारामारी तेज हो गई है। आंदोलन के नाम पर शातिर सियासत का खेला चालू हो गया है। सरकार को वोट की राजनीति से बिना कोई बात समझ में नहीं आती तो हम वोट पे चोट करेंगे। सवाल यह है कि अन्नदाता के नाम पर साजिश और सियासत करने वालों को किसकी शह है? फर्जी गैंग के फसादी प्रपंच में किससे अपना सियासी फायदा दिख रहा है? पश्चिमी यूपी में जाटलैंड में योगी मोदी सरकार के खिलाफ फर्जी गैंग की सियासत का नया दांव देख महापंचायत के नाम पर ये गैंग यहाँ CM योगी PM मोदी को बाहरी बताने का सियासी खेला करने में जुटा है। भाई सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है, ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है, डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे।
ये रहेगी। किसान आंदोलन का नाम लेकर सियासी खेला करने की फर्जी गैंग की साजिश को बंगाल चुनाव के दौरान दुनिया देख चुकी है और अब 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो उसकी सुबुगाहट तेज होते ही फर्जी गैंग फिर मोर्चे पर आ डटा है और उनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बने। इन तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। इस सियासी गणित को समझते हुए जोर लगाया जा रहा है। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। फर्जी गैंग की महापंचायत में विपक्ष की दिलचस्पी का आलम यह है कि जाटलैंड में अपनी सियासी जमीन को फिर से बनाने की कोशिश में जुटे आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से किसानों पर फूलों की बरसात करवाना चाहते हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर दुनिया को ये बताया और ये भी दावा किया कि यूपी सरकार ने उनके इस प्लान को हरी झंडी नहीं। जयंत चौधरी का ये सियासी दांव कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। वो तो यही सोच रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में भाईचारा सम्मेलन करके जो बात नहीं बन पाई वो मुजफ्फरनगर की महापंचायत के जरिए शायद बन जाए। फर्जी गैंग की आड़ लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश भी योगी सरकार को घेर रहे हैं क्योंकि जाटलैंड में उनके मुस्लिम वोटों पर हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने सेंधमारी कर दी। अब उन्हें खाप पंचायतों में उम्मीद नजर आ रही है। एक SDM लेवल का ऑफिसर है या कलेक्टर है वो पुलिस से कह रहा है कि मार के सर फोड़ दो इन लोगों का, मार के सर फोड़ दो अगर यहां पर आएंगे। क्या कर रही है खत्तर बीजेपी की सरकार, वहां पर सर फोड़ देंगे मारकर आप किसानों का? ये आप उनसे ट्रीट करेंगे? वो इंसान है या कोई है, जानवर है वो लोग? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो या BSP की मायावती, यूपी चुनाव में इन सभी की सियासत दांव पर लगी है। सत्ता में वापसी का सीधा रास्ता इन्हें सूझ नहीं रहा है। 4 सालों तक मौन साधने के बाद उन्हें राजनीति चमकाने के लिए किसान का कंधा मिला है। दिलचस्प तो यह है कि खेती के कानून को जरिया बनाकर सियासी रोटियां सेकी जा सके इसके लिए विपक्ष लामबंद होकर संसद को नहीं चलने देने की रणनीति बनाता है। इस राजनीति की हकीकत यह है कि विपक्षी दल के तमाम नेता कृषि कानूनों को लेकर ट्विटर पर ही जुबानी जंग छेड़े हुए हैं, जबकि सरकार कह चुकी है कि वो 2 सालों तक नए कानूनों पर रोक के लिए तैयार है। अगर मुद्दा किसान है तो खेती कानून पर संसद में बहस से विपक्ष क्यों भागता आया है? जवाब यह है कि खेती कानून पर बहस में विपक्ष की पोल खुल जाएगी। जाहिर है किसान तो बहाना है, असली खेला सियासत चमकाना है और फर्जी गैंग के फसादी खेल को हवा देकर विपक्ष इसे बखूबी अंजाम दे रहा है। लेकिन क्या इसके जरिए वो वोटों को साथ पाएगा, इसकी हकीकत तो चुनावी नतीजे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकतंत्र में सभी को अपने विरोध की आजादी है और सहमति भी है, लेकिन संसद में संग्राम क्यों नहीं होता? जबकि पूरी तरीके से जिस आंदोलन को पवित्र माना जा रहा था, जो किसानों के नाम पर शुरू हुआ, वो महापंचायत तक आते आते विपक्षी हो गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।